नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वेज नहर के बारे में। जो स्वेज कैनाल है इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन दो महासागरों को जोड़ती है, सागरों को जोड़ती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको मैप के माध्यम से बताने वाला हूँ कुछ, कब ये बनी, टोटल टाइम कितना लगा इसमें और कब से चालू हुई है। ठीक है, तो मैं आपको जो है मैप के ज़रिए, जो गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए ही मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये अपना इंडिया है और इंडिया के अगर राइट हैंड पे हम देखें तो बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट हैंड पे अरेबियन सी है। ठीक है, और ये गुजरात, तो यहीं से मैं आपको रेफरेंस से दिखाता हूँ। आप इधर चलेंगे, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये गल्फ़ ऑफ एडन है। इसके बाद देखिए ये आ गया लाल सी, यहाँ पर आप देखेंगे जिसे कहते हैं लाल सागर, और भूमध्य सागर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया जैसे मैं आपको डॉट के, ये वाला ये जो है ये है भूमध्य सागर। ठीक है, और ये वाला जो है ये है लाल सागर इधर की तरफ का। ठीक है, तो ये जो हमारी स्वेज नहर है वो है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ पर जूम इन करिए, यहाँ पर देखिए स्वेज लिखा हुआ आ गया है ना। अभी काफ़ी छोटी दिख रही है परंतु अभी मैं जूम करूँगा तो इसके अंदर आपको जहाज़ भी दिखेगा। अभी देखते हैं क्योंकि गूगल ने जब लिया होगा तो आसपास कोई ना कोई जहाज़ ज़रूर होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोई ना कोई शिप यहाँ शायद, ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हुए ये पूरा एक बंदरगाह बना हुआ है, यहाँ से जाता है। और ये इस पे जो मतलब अधिकार है वो है इजिप्ट का। ठीक है, तो होता क्या था दोस्तों, पहले इन दोनों सागरों को, इन दोनों सी जो हैं हमारे, इनको जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। और अभी जूम करके बाहर आते हैं, पहले होता क्या था, देखिए वास्को डी गामा जो आया था भारत वो कहाँ से आया था, उसका रूट दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखेंगे ये अफ्रीका है, कहाँ गया ये अफ्रीका है। तो वास्को डी गामा जो आया था वो आया था इधर के रास्ते, ये वाला, ये यहाँ से होता हुआ ये भारत आया था। ठीक है, मगर जब ये वाली नहर खुल गई तो देखिए यूरोप ये है, यूरोप से यहाँ से होते हुए अब एक डायरेक्ट एंट्री खुल गई। तो इससे दोस्तों लगभग 6000 किलोमीटर का जो है वो अंतर पड़ा था, है ना। तो स्वेज नहर के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो स्वेज नहर के बारे में आप बता सकते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये विजुलाइज़ भी कर लिया, देख भी लिया मैप में। दोस्तों ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ें तो मैप के साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1859, ये फिगर आप याद रखें, 1859 में जो है ये बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसे लगभग 10 साल लगे 1869 तक। तो ये 10 साल में इसके कंस्ट्रक्शन हुआ और बन गई, और जो ऑफिशियली खोल दी गई वो खोली गई 17 नवंबर 1869। ठीक है, 17 नवंबर 1869 में खोल दी गई और इसका हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई अक्सर पूछी जाती है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 193.3 किलोमीटर। ठीक है, तो यही इसके बारे में पूछा जाता है। एक बार आपने विजुलाइज़ कर ली स्वेज नहर कहाँ के बीच में है तो आपको अब याद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके के ज्योग्राफी के और भी टॉपिक जिसमें कि माउंटेंस हो गए, रिवर्स हो गए, इसके बारे में छोटे छोटे से टॉपिक जो है मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से याद हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।